केमिकल ट्रीटेड बाल, मतलब बहुत ड्राई बाल, बालों में कोई चमक नहीं है, बालों में सारा का सारा मॉइस्चर निकल चुका है, क्या करें? सिंपल एक घर की रेमेडी आपको बताने वाला हूं। ये मैं बात कर रहा हूं केले की। ये जो हम लोग केला घर में खाते हैं, हम इसका इसका पहले इसको करेंगे, पहले मैश करेंगे, मैश करेंगे, हम इसको मैश करेंगे, पूरा का पूरा मैशिंग करेंगे अच्छी तरीके से। जितना मैश होगा इतना अच्छा आने वाला है। और इसके अंदर इसको हमने मैश किया, इसमें हम लोग डालते हैं हनी, हनी डाल लेते हैं, देखो हनी को इसके साथ मिक्स करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा मैश इतना अच्छा एप्लीकेशन। हमने इसको मैश किया, देखा मैशिंग किया। और एक चीज बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो केला होगा होना चाहिए वो थोड़ा पुराना होना चाहिए ताकि जल्दी से वो मैश हो जाए। अगर आप लोग बहुत फ्रेश केला लेंगे बहुत टाइम लगने वाला, तो प्लीज आपका केला बहुत पुराना होना चाहिए, गलावा केला होना चाहिए। जितना गलावा केला होगा इतना अच्छा काम करेगा। अब बालों पे लगाते हैं, देखा बालों पे लगाने, जैसे हम लोग स्पा लगाते हैं और इसको इमल्सिफाई कर रहे हैं। देखा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ केला और हनी, मैं इसको इमल्सिफाई कर रहा हूँ। आप देखा आपके बाल कितने स्मूथ हो गए, आपके बालों में जितना भी ड्राइनेस है सब खत्म हो जाएगा। तो हमने सारे बालों पे इसको लगाया, हमने इसको सारे बालों पे लगाया। और प्लीज आपके जितना सेक्शन पतला इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कमाल हमारे आज बनाना मैश का। देखा बाल हमारे कितने सॉफ्ट है, कि हमारा कोम टाइट वाला कोम कितनी आसानी से कोम हो गया है, मतलब ड्राइनेस महसूस भी नहीं होगी। तो आज आपको एक ही चीज बोलूंगा, बनाना चिप्स नहीं, बनाना मैश ऑन है। और आपके बाल उसको एंजॉय करने वाले हैं, और क्या तड़का निकलने वाला है बनाना मैश का। देखा इतना आसानी से कोम हो रहा है।